यहां पूछता है उत्तराखंड में आज बात होगी अरविंद केजरीवाल की। उत्तराखंड में चुनाव है, छठी बार वो दौरे पर रहे, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को देहरादून पहुंचे तो सियासी पारा एकाएक बढ़ गया। चुनावी बिगुल फूका और देहरादून के परेड ग्राउंड से हुंकार भरी। उत्तराखंड को लेकर तमाम दावे और वादे किए, सत्ता में आए तो बेहतरीन उत्तराखंड की कल्पना पूरी करके दिखाएंगे। दो बड़े ऐलान किए, सैनिक वोटों को साधने की पूरी कोशिश इन ऐलान के जरिए की। उत्तराखंड से सबसे ज्यादा भारत माता की सेवा करने वाले लोग हैं, शहीदों देव भूमि के जो देशभक्त हैं उसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा उनके परिवार को केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी। आर्थिक सहायता, अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान एक और बड़ा ऐलान किया। बड़ा ऐलान यह कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक्स सर्विसमैन उनको उत्तराखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। दावा किया कि दिल्ली की जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल रही है, 35 लाख परिवारों के बिल जीरो आते हैं। उत्तराखंड की जनता को अगर 24 घंटे मुफ्त बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 1 महीने में 5000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है, केजरीवाल कहते हैं। हर मंत्री को महीने में 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है और मैं जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूं तो मिर्ची लगती है। दूसरी पार्टी भी अब मुफ्त बिजली की बातें कर रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल के इतर अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसी घोषणा की है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल की इस मुफ्त वाली सियासत से क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सांसें फूल रही हैं? उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की गारंटियों के साथ जनता के बीच जा रहे अरविंद केजरीवाल को कुछ सियासी फायदा मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बारी बारी से मौका मिला। 20 सालों में आम जनता ने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को। मैं सारे फौजियों से कहना चाहता हूं कि एक मौका कर्नल कोठियाल को देकर देखो, 5 साल में हमें भी मौका देकर देखो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल किस तरह से सियासत के नजरिए से उत्तराखंड में झाड़ू फेरना चाह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के अरमानों पर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा मेरे साथ होंगे। लेकिन पहले जरा अरविंद केजरीवाल का यह बयान सुनिए। भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है, सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग उत्तराखंड की धरती के, कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक
हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियार उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज पूछता है उत्तराखंड में हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चेहरे जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे पवन तोमर साहब जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अनिल भास्कर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के चेहरे हैं। संगीता शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दावे और वादों के बीच में अरविंद केजरीवाल का नया ऐलान, सवाल यही, अनिल भास्कर जी और पवन तोमर जी नए परिवर्तन की बात कर रहे हैं। पवन तोमर जी, पहला सवाल आप ही से, आज कुछ परेशान परेशान दिखाई दे रहे हैं आप केजरीवाल के दौरे के बाद से, मैं जान सकता हूं क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका देखने का एक नजरिया हो सकता है। केजरीवाल जी के दौरे से हमारा कोई मतलब नहीं है और ना ही हम परेशान हैं। हम बिल्कुल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और आने वाले समय में हम 60 के पार रहेंगे ये लेकर के हम उत्साहित भी हैं और हमारी जनता भी इससे सेटिस्फाई है। अच्छा, तो केजरीवाल जी ने जो नया ऐलान किया है आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने जो ऐलान किया है इससे पूर्व भी आप इनके ऐलान सुन चुके हैं। आप दिल्ली में भी इनके ऐलान सुन चुके हैं, पंजाब में भी इनके ऐलान सुन चुके हैं और जनता केजरीवाल जी के जो ऐलान है उनसे भली भांति परिचित भी है। अभी आपने देखा होगा जो केजरीवाल जी की अभी रैली थी वो जीतने से पहले, मैदान में आने से पहले ही हार चुके। नहीं नहीं, रैली की बात में बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताइए सर, 10-12 सर मुझे इतना बताइए ना, मैं इतना जानना चाह रहा हूं जो एक्स सर्विस मैन को ये रिटायरमेंट के बाद नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आपको ये सुझाव कैसा लगा, ये दावा कैसा लगा? ये केवल बात कर रहे हैं, सत्ता में आने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, बात करते हैं लेकिन कभी उसको निभाते नहीं है। अच्छा, ये 1 करोड़ रुपया जो आर्थिक सहायता देने की बात कर रहे हैं ये भी झूठी लग रही है आपको? ये केवल झूठ का पुलंदा है, जनता भी जानती है। अच्छा, और उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी है, होशियार है। अच्छा, आप कोई ऐसी घोषणा करेंगे जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए कुछ इस तरह की नौकरी की बात हो, कुछ आप लोगों के विजन डॉक्यूमेंट में है कुछ ऐसा? देखिए, पूर्व सैनिकों का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करेगी इतने अन्य दल नहीं कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वन रैंक वन, आप एक पूर्व सैनिक का तो सम्मान कर दिए सर, कर्नल कोठियाल को रोज तूतू में मैं करके जो है आपके नेता गरियारे होते हैं, आप कह रहे हो कि हम पूर्व सैनिक का सम्मान करते हैं? कर्नल कोठियाल जी हमारे सैनिक हैं, इसके लिए हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दल से वो आते हैं कर्नल कोठियाल जी, अच्छा आप वो कर्नल कोठियाल को गाली नहीं देते, उनके दल को गाली देते हैं आप ये कह रहे हैं? नहीं, गाली हम किसी को नहीं देते, हमारी परिपाटी गाली देने की। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर आपको, आप ही के मंत्री गणेश जोशी बोले इन्होंने तनख्वाह ली, इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने कौन सी देश सेवा की, इन्होंने कहां देश सेवा की? देखिए सर, मेरे को उन्होंने बोला कि पूछो जरा कर्नल कोठियाल से, आप ही के मंत्री, हमारे माननीय मंत्री गणेश जोशी जी का जिक्र कर रहा हूं सर, मैं गणेश जोशी जी ये बोल रहे थे सर। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अनिल भास्कर जी, जी आपको कैसा लगा केजरीवाल का ये नया मतलब फॉर्मूला? कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ये सब काम पहले से करती आ रही है। अच्छा, आपको आज भी बैंकों में अनेक ऐसे कार्यालयों में पुराने पूर्व सैनिक काम करते मिल जाएंगे जिनको कांग्रेस के शासन में नौकरी मिली। अच्छा, जो शहीद होते हैं उनके लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां जैसे व्यवसाय उनके परिवार को दिए जाते रहे हैं, पहले से दिए जाते रहे हैं और ये सब ओपन है। ये आज चीजों को बदल करके उसको सामने पेश करने का एक नया फार्मूला है कि किसी तरह से अलग से काम किया जाए जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। 1 करोड़ रुपया थोड़ी बड़ी अमाउंट लगती है और उसमें ऐसा लगता है देने में कि पेट्रोल पंप देंगे और गैस एजेंसी देंगे या कोई अन्य व्यवसाय देंगे, तो उसमें कहने में एक उलझन सी पैदा होती होगी शायद, इसलिए रीपैकिंग करके उसको देने का काम है। ये जो पैसा देने का काम है इसमें अगर आप बहुत सारे परिवारों के पास जाएंगे, आज दिल्ली में भी जिनको उन्होंने दिए हैं, उन परिवारों के सामने जाएं तो उन परिवारों में इन पैसे को लेकर कि किस प्रकार से विवाद है उस पे जाना चाहिए। कम से कम जो पेट्रोल पंप या इस प्रकार तो आपकी मतलब कौन सी सरकार देती थी, हरीश रावत जी की सरकार, विजय बोगड़ा जी की सरकार या फिर तिवारी जी की सरकार, वो कौन सी सरकार देती थी सर?
क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं, अगर आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। अगर आपकी जानकारी भी नहीं तो मैं माफी चाहता हूं कि इसका मतलब आप पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। नहीं नहीं सर, मेरे को जानकारी नहीं है सर, मैंने तभी कहा या तो तिवारी जी के शासनकाल में मिलता होगा या फिर विजय बोगड़ा जी के शासनकाल में या हरीश रावत जी के शासनकाल में, तो मुझे वो शासनकाल बता दीजिए सर, इतनी जानकारी चाहिए बस मुझे। ये केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा मिलता रहा है कांग्रेस सर, आपने कहा ना हमारी सरकार देती थी, मैं पूछ रहा हूँ सर कौन सी सरकार देती थी, मैं वही पूछ रहा था ना आपसे, आपने कहा आपको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी बढ़ा रहा हूँ अपनी। अब या तो आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात करूँ तो उसके बाद आप इंटरप्ट प्लीज सर कंटिन्यू, तो उसके बाद अगर अच्छा होगा मैं बीच में अगर आप इंटरप्ट कर देंगे फिर बात खत्म हो जाएगी। प्लीज सर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि केंद्र सरकार की योजना होती थी, जहाँ भी किस पर जिस हिस्से से जिस जिले से अगर कोई शहीद हुआ है कोई भी हुआ है उसके यहाँ स्थानीय स्तर से उसकी फाइल चलती थी और राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को फाइल जाती थी, तो यानी कि उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार की भागीदारी होती थी। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसमें तिवारी जी सरकार या हरीश रावत सरकार नहीं थी, हर सरकार ने उसका पालन किया। इस बात को आप यदि देखेंगे अनिल भास्कर जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूँ, मैं दोबारा से कनेक्ट कर। संगीता शर्मा जी अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, संगीता जी मैडम मेरा ऑडियो आ रहा है ना आपको, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे। देखिए जो भी चुनावी मैदान में आता है वो बड़े बड़े वादे और दावे तो करता है। अब देखिए मैं 2017 का उदाहरण देता हूँ, भले ही अनिल जी नाराज हो गए, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी है, अब उस ज्ञान का तराजू क्या है अब वो खुद ही तय कर लेंगे। अब देखिए 2017 में एक सेकंड 2017 में बच्ची सिंह रावत बच्चीदा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, बच्चीदा ने, वो विजन डॉक्यूमेंट पे कितना अमल हुआ मुझे नहीं मालूम। एक घोषणा पत्र जो है तब भी बना था 2012 में, और जब किशोर उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष थे वो हरीश रावत जी के पास रोज जाते थे, कहते थे ये हमारा घोषणा पत्र है प्रभु इस पर भी इंप्लीमेंट करो, वो रोज इतना बड़ा जत्था लेकर चले जाते थे, कहते थे कि हरदा इस पर भी इंप्लीमेंट करिए, ये हमने घोषणा पत्र बनाया था, अब एक नवप्रभात जी भी बना रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं संगीता जी, आप लोग चलिए चुनावी घोषणा कुछ भी करिए, लेकिन मेरा एक एतराज है, एक एतराज, और वो एतराज उत्तराखंड की आवाम का है। आप कहते हैं हम गैरसैंण का विकास कर देंगे, पहाड़ का विकास कर देंगे, आप पंजाब में जाकर प्लांटेड लोगों के साथ खाना भी खा लेते हैं, खाइए राजनीति में होता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप उत्तराखंड का विकास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ पर जाकर यह दावा क्यों नहीं करते। उदाहरण के तौर पर आप गैरसैंण में जाइए, दो रात गुजारिए, गैरसैंण में खड़े होकर ऐलान करिए और कहिए कि हां मैं गैरसैंण का विकास करूंगा। गैरसैंण का विकास तो आप तभी करेंगे जब गैरसैंण को जानेंगे। आप धारचूला जाइए, धारचूला पे खड़े होकर कहिए कि मैं इस गांव से ऐलान करता हूं धारचूला के कि मैं पहाड़ का विकास करूंगा। अब बताइए कैसा लगा फॉर्मूला। संगीता जी प्लीज कंटिन्यू, संगीता जी का ऑडियो, मैडम आपने म्यूट कर रखा है उसे अनम्यूट कर लीजिए जी। संगीता जी मैडम अनम्यूट कर रखा है प्लीज उसे, संगीता जी का ऑडियो नहीं आ रहा, संगीता जी का ऑडियो कनेक्ट करिए। ओके पवन तोमर साहब, पवन तोमर साहब, पवन तोमर जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये परेड ग्राउंड पर रैलियों की भीड़ तो मैंने कई बार देखी है, लेकिन ये रैली से वोट मिलते हैं क्या? ये कह रहे कि आज देखो परेड ग्राउंड में हमने भीड़ इकट्ठी कर दी, ऐसी भीड़ तो आप लोगों की रैलियों में भी तो इकट्ठी होती है, फिर इसमें वोट की गारंटी होती है क्या? पवन तोमर जी भारतीय जनता पार्टी, जी जी बोलिए सर, भारतीय जनता पार्टी की जो रैलियां होती हैं वो धरातल पे होती है, हवाई नहीं होती। अच्छा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो मनोयोग से पूरे मनोयोग से रैली में सम्मिलित होता है, और मैं जानता हूं कि जितनी हमारी भीड़ होती है उससे कई गुना उत्तराखंड की जनता ने हमें वोट भी दिया। अच्छा। और हमें सत्ता में पहुंचा है, तो ये तो जग जाहिर है। लेकिन इनकी रैलियों में ये हाल आप देख ही चुके हैं कि ये जो है सत्ता में आने से पहले ही एक तरह से
धरातल पर हार चुके हैं। अच्छा, ये किराए की भीड़ है सर। आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता वहां पर रहते हैं, उनकी ऑडियो भी हमारे पास है, जो पैसों का लेन देन करके ये वहां से किस तरह से, केवल 10-12 हजार, केवल, मैं केवल इसलिए लगा रहा हूं कि 10-12 हजार व्यक्ति, हमारा एक विधायक अगर कोई बैठते हैं और वो अपनी बात रखते हैं तो वहां पर एकत्रित हो जाती है। अच्छा। अभी हम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में आए थे, आपने देखा होगा लाखों लाखों की भीड़ वहां पर जमा हुई और वो प्रे जो ग्राउंड थे वो छोटे पड़ गए, तब जाकर के पर्दे पर आकर के सड़क पर देगा। अच्छा। तो हमारे इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के लोकप्रिय जो है प्रधानमंत्री और नेता हैं, आपने ये सारी चीजें देखी भी हैं, प्रैक्टिकली देखी है। अच्छा, तो ये भीड़ जो है आपको लगता है कि काम की नहीं है, ये नाम की है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि काम की नहीं है। मैंने कहा है कि हमारी जो भीड़ है उससे कई गुना हमें जनता ने वोट दिया है और हमें स्वीकार किया। संगीता शर्मा जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है मैडम? संगीता मैडम, ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा आपसे। ओके, अनिल भास्कर जी, ये कह रहे हैं कि देखा, ये तो हम भीड़ इकट्ठी कर ली इन्होंने, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो पाएगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारी भीड़ देखा करो, इसी परेड ग्राउंड पर मोदी जी आए थे, और मोदी जी आए थे तब परेड ग्राउंड पूरा भर गया था, अब राहुल जी भी आए तो राहुल जी भी आए तो पूरा परेड ग्राउंड भर गया था। ये शक्ति प्रदर्शन में कौन भारी पड़ रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो 4 तारीख को जब मोदी जी की रैली हुई थी उसमें सबको मालूम है कि किस प्रकार से कुर्सियां खाली हुई, मीडिया ने देखा, मीडिया ने चलाया, मीडिया ने प्रचार किया, लोगों ने देखा और राहुल जी की रैली को भी देखा। लेकिन मैं उससे अलग बात कहना चाहता हूँ, सैनिक की बात पर जो भी पिछले दिनों बात हुई, जो आज भी बात हुई, अभी गलवान घाटी में चीन ने दावा किया है कि उसने अपना चीन का तिरंगा फहराया है, चीन का झंडा फहराया है, और अभी यहाँ पर जो सेना की बात हो रही है, बीजेपी सेना के नाम पे वोट मांग रही है, आम आदमी पार्टी सेना के नाम पे वोट मांग रही है। अब ये स्थिति बन गई है कि लोगों के पास मुद्दे नहीं है, और जो काम करने का जो एक मादा होता है, जिस प्रकार से जो जनता को देने का जो एक काम होता है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है, वो काम आज कांग्रेस के पास है, वो पहले से रही है, पहले से व्यवस्थाएं रही है, और आज जो जिस प्रकार से झूठ बोल करके या जिस प्रकार से गुमराह करके जो पहले मोदी जी करते थे, आज उसी पार्टी पर केजरीवाल जी चल गए हैं, क्योंकि उनको पता है सरकार आना नहीं है, जो बोलना है बोल दीजिए, जैसे बोलना है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज वो 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं कि उनको जब कोई बोलते हैं तो दूसरी पार्टी को मिर्ची लगती है। अरे साहब, आप दिल्ली में दे दीजिए ना, वहां पे तो आपके पास कमाई भी बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड से ज्यादा कमाई है वहां पे, आप 300 यूनिट बिजली दीजिए, क्यों दे रहे हैं आप 200 यूनिट वहां पर? तो आपके सामने तो खुला मौका है वहां पे देने का। तो पहले जितनी भी चीजें आपने यहां पे लागू करने की बात कही है पिछले 3-4 महीनों में, आप उसको पहले दिल्ली में लागू करके दिखा दीजिए, आप वहां के लिए कुछ और पैमाना है, कुछ और पैमाना है। एक बात मुझे बताइए अनिल जी, आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अब ईमानदारी से, आम आदमी पार्टी से आपको वाकई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, ईमानदारी से? तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, जहां पर भाजपा कमजोर होती है वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जाती है, ओबीसी की तरह से वो भी दूसरी टीम है, ओबीसी मुस्लिम वोट की में सेंध लगाने का काम करते हैं, ये हिंदू वोट में सेंध लगाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जाति की राजनीति करके जो बीजेपी इनको आगे करती है, हम तो पहले से कह रहे हैं। अच्छा, हमें नुकसान देने के नाम पर लाई है। कहां कहां? मैं तो पूरा उत्तराखंड घूम आया, मुझे मालूम चल गया कहां कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज आपके पास ये जानकारी होगी, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है मुझे वो जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बताइए ना सर, मैं तो बता दूंगा कहां का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं ईमानदारी से ये बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में इन्होंने जितना जिस प्रकार से अपना प्रयास किया था, सबसे ज्यादा डैमेज पता है कहां कर रहे हैं आपको? सबसे ज्यादा, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये काशीपुर में सबसे ज्यादा डैमेज कर रहे हैं आपको। बिल्कुल, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, आप सुनिए सर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बहुत डैमेज कर रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि भैया नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं, आप मान भी रहे हैं आपकी, ये डैमेज भी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी शोर बहुत आ रहा है उधर से, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी इनके पास प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं लड़ाने के लिए, तो अभी कहां से डैमेज करने की बात आएगी?
दूसरी बात यह है कि जनता का इतना मानसिक रूप से इस प्रकार का मानस हो चुका है जनता का कि वो महंगाई को लेकर के, आर्थिक समस्याओं को लेकर के बहुत अच्छे से परेशान हो चुकी है। और जहां तक हम लोगों से बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है आज की तारीख में, ये बात को तो हम कह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के ओके पवन तोमर का पवन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। पवन जी अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है। आम आदमी पार्टी को आप जिस तरह से बैकअप दे रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सफल नहीं हो पाएंगे आप। आपने बी टीम जरूर खड़ी कर ली है अपनी उत्तराखंड में, लेकिन जनता सब समझ रही है। देखिए मेरे भाई, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, दरअसल क्या है कि इनको भी मालूम है कि हमारे परिवार की लड़ाई ठीक नहीं हो पा रही तो ये चुनाव क्या लड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की रैली में ये एक रुद्राक्ष की माला लेकर के इनका कार्यकर्ता जब उनको पहनाने जाता है तो वो रुद्राक्ष की माला को पहनने के लिए तैयार ही नहीं होते। पहली बात, आप गलत बात लग रहे हैं, उसका सही तथ्य रखें। ये वाली बात लग रही है, गलत तथ्य न रखें आप, बिल्कुल गलत तथ्य न रखें। मैं निवेदन करता हूं, नहीं राहुल जी ने कहा कि आप सेना के सम्मान के लिए आए, मैं अपने सम्मान नहीं कराऊंगा। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। आपको गलत तो लगेगी, आपको गलत इसलिए लगेगी क्योंकि आप गलत रख रहे हैं, इसलिए गलत बोल रहा हूँ। आप सही रखिए, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि वहाँ पर मैं सेना के सम्मान के लिए आया हूँ, सैनिकों के सम्मान के लिए आया हूँ। नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, अब आप सैनिकों के सम्मान के लिए सुन लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का सम्मान कितना करती है? ये यहाँ की जनता और यहाँ की प्रदेश की जनता। नहीं तो 2014 से पहले क्या होता था, क्या सैनिक के साथ बदतमीजी होती थी? आप बताइए ना, आप मेरी, मैं बात, मैं बोल तो रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हो। चलिए बोलिए 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 बोलिए। कांग्रेस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पढ़ा बताने वाली, वो सैनिकों का सम्मान करेंगी? हमने जो अटैक पाकिस्तान पे किया उनसे आप सबूत मांग रहे, वो सैनिकों का सम्मान करेंगी? लाल चौक पर जब एसबी चौहान, किसने सबूत मांगा साहब? किसने सबूत मांगा? गलत बात किसने सबूत मांगा? कांग्रेस ने सबूत मांगा हमसे कि आप हमें सबूत दीजिए कि उनका अटैक कैसे हुआ, पाकिस्तान का अटैक कैसे किया खोज ने, आप हमें उसका सबूत दीजिए, ये बिल्कुल गलत हुआ है। आपको तथ्य का ही पता नहीं है, किसने कह दिया? आप कहां से बोल रहे हैं? अपने आप से बोल रहे हैं? अनिल जी पवन जी मुद्दे पर आए, क्या वाकई आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम बनके काम कर रही है उत्तराखंड में, जो आरोप ये लगा रहे हैं? ये केवल इनका आरोप है। पहली बात तो हमारी कोई बी टीम नहीं, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हम लोगों को डैमेज करने के लिए आम आदमी पार्टी को मैदान में उतरवाया। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम, हरिद्वार और उधम सिंह नगर का जिक्र कर रहे हैं खास तौर पर ये, और क्यों करें आपको मालूम है हरिद्वार और उधम सिंह नगर में क्या है? हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़िए, ये पूरे उत्तराखंड में जितनी इनकी सीट आई थी उनसे आधे से भी आ जाए तो तब आप मुझे कहना हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। एक दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, अच्छा जो बी टीम हमारी बता रहे हैं, अब की बार 10 भी नहीं आएंगे क्या बता रहे? अभी इन्होंने अब की बार 10 भी नहीं आएंगे? ये तो ताज्जुब है कि इनका जो विपक्ष है वो विपक्षी खत्म होने जा रहा है। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है या फिर आम आदमी पार्टी के भरोसे हैं आप? 60 हमें अपने पर कॉन्फिडेंस है और 60 के पास। अच्छा, आम आदमी पार्टी पर कोई भरोसा नहीं आपको? और विकास को लेकर के हम उत्तराखंड में आए हैं। कौन से विकास के? जिस तरह से जो त्रिवेंद्र जी ने किया था या तीरथ जी ने या फिर धामी जी ने, कौन से विकास को आगे लेकर जा रहे हैं? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी, धामी जी और तीरथ सिंह जी ये पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया तो फिर कौन सा आजकल कौन सा विकास गिनवा रहे हैं आप जनता को कौन सा विकास गिनवा रहे हैं, धामी जी वाला या त्रिवेंद्र जी वाला या तीरथ जी वाला? पूरी भारतीय जनता पार्टी वाला विकास। अच्छा अच्छा, तो त्रिवेंद्र जी वाला ने विकास किया है व्यक्ति विशेष? नहीं तो आजकल तो धामी जी का ही चेहरा दिखाई दे रहा है, आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिखाई नहीं दे रहे पोस्टर में। पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे सारे धरातल पर कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने पहले भी विकास की ओर अग्रसर
अपने आप को किया है, तो आप मुझे जानती भी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं जानता हूँ पवन जी आपके हाथ में भी नहीं है, लेकिन लेकिन मेरी एक 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 सवाल है, एक सवाल ले लीजिए सर, मैं जानता हूँ वो आपके हाथ में भी नहीं है, वो तो उनके हाथ में भी नहीं था जो मुख्यमंत्री थे, और क्यों हटाया गया वो भी नहीं जानते। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ आपसे, एक व्यक्तिगत रूप से, आप राजनीतिक में अनुभवी व्यक्ति हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे ना डोईवाला से? बिल्कुल लड़ेंगे, पक्का सर? ये डोईवाला से लड़े, कहां से लड़े, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चलिए ठीक है, कहीं से भी लड़ लें, और डोईवाला से नहीं रायपुर से ही लड़ लें, कहां से चुनाव लड़ाना, रायपुर से ही लड़ लें, लेकिन लड़ेंगे ना? बिल्कुल लड़ेंगे, पक्का सर? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, नहीं मैं बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। और ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रिंट तैयार होता है, और भारतीय जनता पार्टी को ये हम किस कार्यकर्ताओं को किस व्यक्तित्व को कहां पर लगाना है, भारतीय जनता पार्टी तय करती है। मैं तभी ये सवाल पूछा था आपसे, मैंने तभी ये सवाल पूछा था सर आपसे, और मैंने गलत सवाल नहीं पूछा था, मैं जानता था आप थोड़ी लेट में आए, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन आप जानते मैंने हैं ये नहीं कहा कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। अनिल भास्कर साहब, जनता पार्टी का हमारा जो जी हमारा भारतीय जनता पार्टी का, वो कह रहे हैं हमने विकास किया, इसका प्रमाण है तीन तीन मुख्यमंत्री, ये सारी चीजें। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हमारी जो अभी पिछले दिनों जेपी नड्डा जी हरिद्वार आए, उनकी एक छोटा सा कार्यक्रम था, और उसमें उनके कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा इस बार 100 पार, किसी ने कहा 150 पार, तो इस बार मुझे लगता है 300 पार उत्तराखंड में कर जाएंगे, तो जितना कहना है वो कहने दीजिए, बाकी तो जनता समझ रही है, और जब रिजल्ट आएगा, जब चुनाव होगा रिजल्ट आएगा। ये तो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम तो 60 पार, आप बताइए ना आपका क्या लक्ष्य? अरे साहब मैं तो आपका मैं क्या तो लक्ष्य है? 30 पार, 35 पार, 40 पार, कितना पार? ये जनता तय करेगी ना, ये हमारा तय कर रहे हैं थोड़ी, या अच्छा, मतलब आपने फोकस नहीं रखा है कि हमने करना क्या है। नहीं नहीं, हमारे पास हमारी सरकार बनने जा रही है, ये बात हम कह सकते हैं, जनता हमारे हमें अपने दिलों में लेके जा रही है। अच्छा, तो हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? अब वो तो पार्टी तय करेगी, निर्णय हुआ ना आपके सामने, सब रावत जी ने साफ किया। तो अभी पक्का नहीं हुआ ना? नहीं पक्का क्यों नहीं है, सब कुछ हमारा मुख्यमंत्री पक्का है, जो होगा हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया गया। कौन है? हाईकमान तय करेगा, रावत जी हमारे नेता है निश्चित रूप से, रावत जी हमारे नेता है और बड़े नेता है हमारे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। समय किसने कहा कि नहीं बनेंगे, आप ही तो कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि नहीं बनेंगे, तो पार्टी में उसमें अगर तय करेगी तो आप ये भी तो नहीं कह रहे ना कि वही बनेंगे, रावत जी उससे बाहर भी नहीं है ना? नहीं नहीं, रावत जी बनेंगे या नहीं बनेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं अभी तो जो चीजें भविष्य में है और जो चीजें तय करेगा विधायक दल, उसको मैं कह दूं क्या कहूं मैं, ना तो विधायक हूं मैं ना विधायक, विधायक दल तय करता है आपके यहां? विधायक दल तय करता है, हाईकमान तय करता है, दोनों चीजें तय करती है। अच्छा, तो विजय बोबड़ा को विधायकों ने चुना था, तो विधायकों ने अपनी सहमति हाईकमान के ऊपर दी थी कि जो हाईकमान तय करेगा। मैं तो पूछ रहा हूँ विजय बोबड़ा को विधायकों ने चुना था? भाई साहब मैं तो हंसकर के बात कर रहा हूँ साहब, विजय बोबड़ा जी को विधायकों ने चुना था? देखिए उसने, विधायक दल ने अपनी सारी सहमति हाईकमान को दी कि जो भी हाईकमान तय करेगा वो हमें स्वीकार होगा। सर ये बोलिए ना कि विधायकों ने विजय बोबड़ा को चुना तो मैं मान जाऊंगा सर, आपको बोलिए कि विधायकों ने सहमति दे दी ना, एक ही बात है ना, जो सहमति उनकी हुई उसी सहमति में सभी विधायक दल का सफर कर रहे हैं। 17 विधायक दिल्ली में बैठ गए थे हरीश रावत के घर पर, बैठ गए थे ना? देखिए वो एक तो मैं वो तभी कह रहा हूं, जो ये झगड़ा तो आप लोगों के घर का भी और उनके घर का भी, उनको मालूम नहीं चलता है ना। अब त्रिवेंद्र जी से पूछिए, वो कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं क्यों हटाया, क्यों पवन जी, गलत थोड़ा कह रहा हूँ। आप तीरथ जी से कहेंगे मुझे क्या मालूम क्यों हटाया, वो तो ये कहते हैं कि मुझे बनाया क्यों, मुझे ये भी नहीं मालूम, तो क्यों बनाया और क्यों हटाया वो उनके घर का अलग झगड़ा है, आपके घर का अलग झगड़ा है कि भैया मुझे ही बनाओ, है ना सर, हर किसी के झगड़े अलग अलग। देखिए मैं उत्तराखंड के ऊपर आ रहा हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात सुनिए, मैं बोबड़ा जी की बात पर कहना चाहता हूँ, अगर केदारनाथ की जो आपदा आई थी, अगर उस त्रासदी पे वो गंभीरता से काम करते तो जहां तक हमें उम्मीद है उस तरह से वो आज की तारीख में उस समय मतलब पूरे 5 साल वो पूरे करते, लेकिन केदारनाथ में जिस प्रकार से उन्होंने अपना लापरवाही दिखाई और वो उसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण बना। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो राजनीतिक उससे हुआ, और निश्चित रूप से उसके बाद रावत जी ने जो काम किया वो आज सबके सामने नजीर है, सबके सामने इस बात को लेकर के पिछले दिनों गणेश गोदियाल जी ने भी कहा, वो उसके अध्यक्ष रहे, उसके कार्य कराने की जो कमेटी बनी उसमें, और उनके आपके सामने सबके सामने मीडिया के सामने उन्होंने कहा भी
कि मैंने उस समय सब कुछ देखा और ये बात सही भी है कि उस सबके बाद जो है बीजेपी ने सिर्फ उसका प्रचार किया कि आज केदारनाथ में ये हुआ वो हुआ, जबकि उसका मैक्सिमम काम वो रावत जी की सरकार में हुआ और थोड़े बहुत जो काम रहे बाद अच्छा, में काम हुआ था। अनिल भास्कर जी फिर मेरे को थोड़ा सा और ज्ञान है, उस वक्त निम्न के निर्देशक कौन थे? निम्न के निर्देशक कौन थे सर? नहीं मुझे उस समय उसकी जानकारी नहीं है सर। निम्न जहाँ जिसके अंतर्गत काम हो रहा था सब कुछ, हाँ मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी तो है सर आपको, आप बता नहीं रहे। नहीं मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पवन जी बता देंगे, पवन जी आप बता दीजिए सर, निम का निर्देशक कौन था उसको? देखिए अभी भाई साहब कह रहे थे सर, बता दीजिए ना, तो एक क्लीन चिट दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। निम का निदेशक कौन था? जब केदारनाथ आपदा पुनर्निर्माण कार्य हो रहा था तो किसकी देख रेख में हो रहा था? छोटा सा सवाल है, आप वो भी घुमा रहे हैं, आप भी घुमा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं, मैं एक बात अपनी पूरी कर देता हूं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि साहब केदारनाथ जब आपदा आई तो हमने ठीक तरह से काम नहीं किया, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ये खुद ही बहुगुणा की बात है, ये बहुगुणा जी नहीं किया इसलिए गए, ये कहा है बहुगुणा ऐसा है, जो मुख्यमंत्री होता है पार्टी होती है, उसका पार्टी का अक्ष उसके सामने होता है और पार्टी के निमित्त ही सारे कार्य सारे निर्णय लेते हैं। घर के मुखिया पर यदि आरोप लगता है तो समझो वो पूरे परिवार पर लगता है, और ये आरोप आप स्वीकार कर चुके हैं आज टीवी पर बैठ करके। अच्छा पवन जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि काम ठीक नहीं किया? अच्छा पवन जी आप ये समझा रहे हैं कि मोदी जी ने जो स्कूटर के नंबर परेड ग्राउंड से गिनवाए थे वो स्कूटर के नंबर कांग्रेस के थे, बोगड़ा जी का कोई लेना देना नहीं था, है ना सर? सही बात है, ये कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस असल में आपने देखा होगा अभी पिछली बार कि इनके जो सेक्रेटरी है जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कार्यालय पर उन्हीं के कार्यकर्ता उनको किस तरह से पीट रहे थे। नहीं सर, ये तो एक तरह से इनका अनुशासन हुआ सर, मैंने तो दूसरी जगह भी पिटते हुए देखा है। मैंने दूसरी जगह भी देखा है सर पिटते हुए, जनरल अपने जनरल सेक्रेटरी को इस तरह से पिटते हुए सर। बात जो इनके इन्होंने ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जो चेहरे मुख्यमंत्री हुआ है आज इनकी देख रेख में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका आप ईमानदारी के साथ में, आपने भी शायद उस टाइम चलाया होगा स्टिंग ऑपरेशन, इनको एक बार इनको सुना दीजिए, इनका जवाब खुद को मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर ये ईमानदारी से उस स्टिंग ऑपरेशन को देख लें तो मैं समझता हूँ ये इनका जवाब इनको खुद मिल जाएगा, और ये किसी भी कीमत पर आज कहीं भी बोलने लायक नहीं रहेंगे। अनिल भास्कर साहब जी, सुना आपने? मुझे इनकी ऑडियो थोड़ी सी गड़बड़ाई बीच में कुछ, वो कह रहे थे हरीश रावत वाला स्टिंग देखा आपने, वो कह रहे पूछ रहे थे, कह रहे वो स्टिंग देखा। विजय बोगड़ा वाला तो नहीं देखा इन्होंने? विजय बोगड़ा जी जो थे उनको जो स्कूटर के नंबर गिनवाए गए थे वो तो भूल गए, वो कह रहे कि चलिए जो बीत गई वो बात गई, मोदी जी ने गिनवाए होंगे परेड ग्राउंड से स्कूटर के नंबर, उससे विजय बोगड़ा का जी का तो ना लेना देना था, विजय बोगड़ा जी का कोई लेना देना नहीं था उससे, वो तो स्कूटर के नंबर थे गिनवा दिए, वो बात खत्म हो गई, क्या हो गया इसमें, है ना सर? नहीं, हरक सिंह रावत को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो तो धुल गए, पाप धुल गए जो थे वो, क्योंकि इन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि ये पापी हैं, सदन तीन तीन दिन तक नहीं चला था, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है अजय भट्ट जी ने कुछ भावनाओं में बहते हुए कह दिया होगा सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आपने हरीश रावत जी वाला स्टिंग देखा है नहीं देखा? वो स्टिंग ऑपरेशन में जिस पर जब वो सीबीआई से उस सारी पूछताछ हुई है तो पवन जी को पूछना चाहिए मोदी जी को फोन करके कि उसका हुआ क्या है आज तक, तो आप हमें बता रहे हैं जनता को बताना चाह रहे हैं, पहले मोदी जी से पूछ लीजिए, आप तो उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपकी जो बातें जवाब देंगे देंगे। ओके, संगीता शर्मा क्या आप मेरे साथ जुड़ चुकी हैं? संगीता शर्मा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? संगीता जी जी चलिए देर आए दुरुस्त आए, मैं एक बात संगीता जी आपसे जानना चाह रहा था कि ये तमाम घोषणाएं जो घोषणावीर मतलब आपके माननीय केजरीवाल जी जो कर रहे हैं ये घोषणाएं पहाड़ पर जाकर क्यों नहीं करते? पहाड़ पर मतलब गैरसैंण में जाकर करें, धारचूला में जाकर करें। मैडम कैसा है ये आइडिया? दो दिन गुजारिए कभी पहाड़ में तो फिर पहाड़ को समझ पाएंगे पहाड़ की पीड़ा क्या है। आज
नहीं नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा मेरा सिर्फ एक कहना यह है कि आप उत्तराखंड की पीड़ा को कैसे समझ पाएंगे। अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप जॉली ग्राउंड आए, जॉली ग्राउंड से फिर निकल के जो है जॉली ग्राउंड से आप पहुंच गए परेड ग्राउंड, और परेड ग्राउंड से आपने पढ़ा जो आपको लिख कर दिया कि हमने ये ऐलान कर दिया, हमने ये ऐलान कर दिया, हमने ये ऐलान कर दिया। मैं ये चाह रहा हूं कि दो चार दिन आप पहाड़ में रहिए, पहाड़ की पीड़ा को समझिए, पहाड़ के दर्द को समझिए। आप गैरसैंण जाइए, आप धारचूला जाइए, आप पिथौरागढ़ जाइए, आप बागेश्वर जाइए, आप वहां पर रुक कर देखिए, वहां के लोगों की समस्याओं को सुने, और वहां आम आदमी पार्टी के सहयोगक कहें कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मैडम, अच्छा मैडम पूरे 70 की 70 विधानसभा में चले गए, वो 70 के 70 विधानसभा में चले गए। संगीता जी, अच्छा 70 का कर चुके हैं, अच्छा तो कर्नल कोठियाल जी की सीट की क्या रिपोर्ट है? नहीं नहीं नहीं, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं क्या स्थिति है वहां पर, जहां चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा आपको उम्मीद नहीं है, अच्छा आपको उम्मीद नहीं है कि कर्नल साहब भी सीट निकाल लेंगे? तो कर्नल कोठियाल इतिहास रच देंगे वहां से चुनाव जीत के? संगीता मैडम मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए पवन जी भी यहाँ पर है, अनिल जी भी यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मौजूद हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, आज की तारीख में रजिस्टर बेरोजगारों की संख्या जो उत्तराखंड में है वो 4,75,000 के आसपास है ऑन रिकॉर्ड। ये उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, आप कह रहे कि पूर्व सैनिकों को नौकरी देंगे हम पकड़ पकड़ के, ये उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, आप कह रहे हम उनको रोजगार देंगे, वो भी सरकारी नौकरी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा मैडम? संगीता मैडम मैं इतना जानना चाह रहा हूं, जब वो नहीं कर पाए तो आप कैसे कर लेंगे? वो तो डबल इंजन की सरकार थी, उनकी सरकार में 4.5 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। पवन जी, पवन जी, ओके पवन जी, जी जी जी, नहीं आप संगीता जी नाराज मत होइए, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखिएगा, अगर आपकी सुनते होंगे तो उनकी सुझाव के तौर पर मैंने कहा था कि सिर्फ जाकर पहाड़ पर भी गुजारिए कुछ रातें और कुछ दिन देखिए, ताकि पहाड़ की पीड़ा को समझकर आप वहां पर पहाड़ का समाधान कर पाए। पलायन तो नेता भी कर रहे हैं, कह रहे पलायन की समस्या का समाधान कर देंगे, कई ऐसे ऐसे घोषणावीर हैं, पलायन पलायन कहते पलायन रोकेंगे, और खुद उत्तराखंड के पहाड़ से उतरकर मैदान पर चुनाव लड़ते हैं, वो पहाड़ से पलायन रोकेंगे, देहरादून में अपनी कोठियां बना ली कहते पलायन रोकेंगे। पवन जी,
हाँ तो देहरादून में आवास है, सोचो कि वो गैरसैंण में राजधानी कैसे बना देंगे मैडम। वही तो है, वही है, अधिकारी कहाँ छोड़ के जाएंगे देहरादून। पवन जी मैंने इनसे सही सवाल पूछा ना, मैंने कहा कि इनसे जब बीजेपी वाले रोजगार नहीं दे पाए, डबल इंजन की सरकार थी, ये कह रहे कि पूर्व सैनिकों को, पूर्व एक्स आर्मी मैन को, सबको नौकरी देंगे। जी रुकिए तो सही, संगीता जी आप रुकिए तो सही। मैडम एक मिनट रुकिए ना, जवाब ले रहा हूं। पवन जी बताइए इनको जरा, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के रोजगार दिया, तब भी 4.5 लाख रोजगार जो है बेरोजगार आज भी भटक रहे हैं। पकड़ पकड़ के रोजगार दिया आपने लोगों को, लेकिन फिर भी आज भी रजिस्टर बेरोजगारों की संख्या इतनी है। अब बताइए, ये कह रहे कि हम करके दिखा देंगे, कैसे करेंगे पवन जी, है कि नहीं, जुमला छोड़ रहे हैं अभी। पवन जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अनिल भास्कर साहब, क्या इस मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए कि नहीं, कि आप 1 करोड़ रुपया दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि शहीद होने पर ही 1 करोड़ रुपया सम्मान दीजिए, जो सम्मान के हकदार हैं। मैं आपसे शुरुआत में यही वाली बात मैंने कहा था कि पुरानी सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी और पुराने समय से चला आ रहा है, जब कई बार आप निकलते हैं तो पेट्रोल पंप पर देखते होंगे कि फला शहीद द्वारा के लिए दिया गया पेट्रोल पंप है, तो कई जगह देखा गया होगा। और इसी प्रकार से उस कोटे में गैस की एजेंसियां भी दी गई है, जिससे उस परिवार का निरंतर एक भरण पोषण तरीके से हो सके और उसको नियमित कार्य मिल सके। तो इस प्रकार की बातें हुई। रही बात नेताओं के पलायन की, हरीश रावत जी के समय में वहां पर विधानसभा का निर्माण हुआ और आज स्थिति यह भी, 2 दिन पहले भी रावत जी ने कहा कि हम उसको स्थायी राजधानी बनाएंगे। हाँ जी अनिल जी, वो जी, पत्थर जी, रखा जी, किसने जी, था गैरसैंण में, गोविंद सिंह कुंजवाल जी के साथ जाकर वो पत्थर रखा किसने था? ठीक है, उस समय बोगड़ा जी रहे थे इसमें। अक्सर पूरी बात बोली है ना, आप अधूरी बात बोल रहे हैं, क्रेडिट दोनों तरफ दीजिए ना। आपको सरकार तो समय भी कांग्रेस की रही। अच्छा आप अच्छा, इसमें कांग्रेस की सरकार थी जब आपदा आई, तब बोगड़ा जी मुख्यमंत्री थे, है ना सर? बोगड़ा जी ने, मैंने आपसे ये कहा, वो एक कारण बना जिसकी वजह से बोगड़ा जी को हटाया गया। अच्छा ठीक है ना, जो जिसमें वो काम नहीं हुआ, और वो क्योंकि खाली केदारनाथ, वो ये नहीं था कि उत्तराखंड के लिए ही मुद्दा था, कोई वो पूरे भारत के लिए और देश के, दुनिया के हिंदुओं के लिए आस्था केंद्र था। वहां पर अगर कोई आएगा तो उसको व्यवस्था मिलनी चाहिए। गैरसैंण का काम हुआ वो कांग्रेस का मुद्दा था, उसका जो मैनिफेस्टो में दिया गया था कि उसको हम स्थायी राजधानी बनाने के काम करेंगे, वो काम उधर की तरफ किया गया। अच्छा रिटायरमेंट के बाद वो कह रहे हैं कि जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा, हम उनको सम्मान देंगे, नौकरी देंगे, तो आपको इस पर एतराज क्यों है? हमें कहां एतराज है, हमने तो कहा है ना, आपकी बात का मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जो युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इतने युवा अभी बेरोजगार हैं, और हम तो पहले से कहना, मैंने शुरू में भी कहा कि इतने सारे जो मिलिट्री से रिटायर्ड लोग हैं, मैं हरिद्वार रहता हूँ, BHL के अंदर तमाम आर्मी से रिटायर्ड लोग काम करते रहे हैं, पहले भी बैंकों में काम करते रहे हैं, बहुत सारे राज्य सरकारों में काम करते रहे हैं, बहुत सारी जगह पर इस प्रकार से काम करते रहे, पहले से भी उनको नौकरी मिलती रही है। यदि कोई इच्छा करता है और कोई इच्छा नहीं करता है, अपना काम करना चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी एक्स सर्विसमैन को, एक्स आर्मी को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नजरअंदाज किया गया हो, उनके लिए अलग से कोटा भी फिक्स रहा है। सर आप लोगों ने कभी उन लोगों की स्किल मैपिंग की ही नहीं है जो एक्स आर्मी मैन है, रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों की स्किल मैपिंग की ही नहीं गई। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको कि समस्या क्या है, वरना ये भी आप जानते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो एक्स आर्मी मैन के साथ क्या सलूक करती हैं, उनसे महीना महीना सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी करवा लेते हैं और फिर उसके बाद जो है उनको तनख्वाह तक नहीं देते। ये हकीकत बता रहा हूं आपको। नहीं, ऐसे 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 केस बहुत ज्यादा, कोई ऐसे नहीं रहे होंगे। मैंने कहा कि सरकारी नौकरी में उनके लिए अलग से कोटा रहा है। सर मैं कह रहा हूँ आपको, आप लोगों ने अगर स्किल मैपिंग करवाई है इन लोगों की तो मेरे को बता दीजिए, एक्स सर्विस मैन की स्किल मैपिंग हुई है कभी उत्तराखंड में? सरकारें कितनी आई और कितनी चली गई? वो खाली उत्तराखंड की नहीं है, तो पूरे भारत के लिए। सर आप उत्तराखंड की दावा कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए अगर एक्स सर्विस मैन की स्किल मैपिंग हुई है तो आप मुझे बता दीजिए किसी भी सरकार ने की हो। अगर मैं चुनौती देकर कह रहा हूं, किसी भी सरकार में अगर स्किल मैपिंग का काम हुआ हो
मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप लोग कह रहे हैं कि हमने एक्स रूट बैंक के लिए हमने ये काम किया वो काम किया, अगर उनकी स्किल मैचिंग हुई है तो आप बता दीजिए। फोन नंबर नोट कर लो आपको, आप अगर आप इसका इसके ऊपर सर्वे करा लीजिए, स्किल मैपिंग यदि वर्ड नहीं दिया गया है लेकिन स्किल मैपिंग के हिसाब से काम दिया गया है, आप इसमें सर्वे कराइए, पुरानी सरकारों के काम को देखिए और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, या आर्मी के अधिकारियों से, पुराने अधिकारियों से पूछिए सर उत्तराखंड में स्किल मैपिंग हुई है या नहीं, अगर हुई है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तो छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में अलग से करने की आवश्यकता क्या है, जब मान लिया तो पूरे भारत के लिए अलग कानून बना हुआ है, उत्तराखंड में अलग से करने की जरूरत क्या है, स्किल मैपिंग क्या आवश्यकता, जब वो लागू है ना, पूरे भारत में लागू है ना वो, संगीता शर्मा वो नियम वो कायदा वो पूरा लागू है, संगीता शर्मा आप ये कह रहे हैं कि हम एक्स सर्विस मैन को सीधा उत्तराखंड सरकार में नौकरी देंगे, ऐसी कितनी संख्या है एक्स सर्विस मैन की, क्या संख्या है और किस आधार पर कौन सी नौकरी देंगे आप, जवाब दीजिए। सर होम मैडम होमवर्क करते हैं या बिना होमवर्क करके आए जॉली ग्रांट से उनको थमा दिया जाता है कि आप ये घोषणा कर दीजिए, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, पात्रता है क्या, एक्स सर्विस मैन को आप किस आधार पे नौकरी देंगे और कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी देंगे और एक्स सर्विस मैन की संख्या कितनी है, मैं छोटे से सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए उसका, या सिर्फ जॉली ग्रांट से आए उनको पकड़ा दिया आपने, आपकी घोषणा कर दो। मैडम एक्स सर्विसमैन की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, जानकारी केजरीवाल जी को है, आपको जानकारी नहीं है, केजरीवाल जी को जानकारी है, वो घोषणा कर रहे हैं, तो मैडम उन्होंने सोच समझ कर ही तो सवाल पूछ रहा हूं मैं, आप लोग कह रहे हैं एक्स सर्विसमैन को नौकरी देंगे, आप लोगों को यह नहीं मालूम कि कितने आंकड़ा है कितना है और एक्स सर्विस मैन की भूमिका क्या, उनके स्किल मैपिंग नहीं हुई है लेकिन आप नौकरी दे देंगे, संगीता मैडम उत्तराखंड में स्किल मैपिंग नहीं हुई है, एक्स सर्विस मैन की स्किल मैपिंग तक नहीं हुई है, आप कह रहे कि हम नौकरी दे देंगे, आप कौन से डिपार्टमेंट में कौन से विभाग में नौकरियां देंगे, मैं आपसे वो पूछ रहा हूं। यही दिक्कत है, आप लोग सब घोषणा कर रहे हैं, सब घोषणा कर रहे हैं, मेरी ये गारंटी, दिल्ली से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, दिल्ली से तैयार हो जाओ, टीम तैयार हो गई, मुख्यमंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी ने गारंटी, आज कौन सी गारंटी देनी है, ये गारंटी दे दीजिए सर, अच्छा आज मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि गैरसैंण में जाकर राजधानी बना दूंगा, गैरसैंण कभी गए नहीं है लेकिन गैरसैंण में जाकर राजधानी बना देंगे, एक दिन नहीं गए गैरसैंण लेकिन गैरसैंण में राजधानी बना देंगे, ये कौन सी घोषणा है आप लोगों की, मैडम करिए, मैं मना नहीं कर रहा लेकिन केजरीवाल जी को सिर्फ घोषणा करने के लिए मत बुलाइए दिल्ली से इतनी दूर, उनके पास दिल्ली में भी बहुत काम है, कम से कम होमवर्क करके तो उनसे घोषणाएं करवाइए, उत्तराखंड की जनता कई बार बेवकूफ बन गई है, कब तक बेवकूफ बनाएंगे, तो आप भी अब भी ये भी समझ रहे हैं कि जनता एक बार फिर बेवकूफ बनेगी, आप भी ये समझ रहे हैं कि जनता को बेवकूफ बना देंगे हम, मैं पूछना दिल्ली में कितने लोगों को दिया गया, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने एक्स सर्विस मैन में, अब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, आपने दिल्ली के अंदर एक्स सर्विस मैन को कितनों को नौकरी दी, कितनों को, एक करोड़ एक्स सर्विस मैन को उत्तराखंड में आप नौकरी का आंकड़ा नहीं दे रहे, दिल्ली में कितनी, दिल्ली में आपने कितनी नौकरी दी, अच्छा दिल्ली में एक्स सर्विस मैन वाले नहीं रहते, जी तो आप बताएंगे ना, दिल्ली मॉडल में हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, इतने लोगों को नौकरी दी, एक्स सर्विस मैन इतने थे, हमने इतनों को नौकरी दे दी,
अच्छा, ये सिर्फ मुफ्त वाली घोषणाएं दिल्ली में, दिल्ली से आप यहाँ के करते हैं? मैडम इतना काम है केजरीवाल जी के पास, कोरोना वैसे ही फैल रहा है, आप लोग क्यों इनका इतना परेशान करते हैं? कम से कम उनको थोड़ा बहुत तो होमवर्क करवाइए ना। वो आते हैं जॉली ग्राउंड पे, आप उनको थमा देते हैं आज, ये गारंटी दे दीजिए। आप गारंटी देते देते भी जनता समझ रही है ना क्या गारंटियां दे रहे हैं आप। अच्छा दावों में। अब मुझे एक बात, पवन तोमर जी आप देखिए ना, आपसे ज्यादा कोई सैनिकों का सम्मान करता है? आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी और राष्ट्रहित के लिए काम करने वाले, जो राष्ट्र के खिलाफ बोले आप सबको पाकिस्तानी और राष्ट्रद्रोही पता नहीं कहां कहां भेज देते हैं। पवन जी आप बताइए, आपने कभी एक्स सर्विस मैन के लिए स्किल मैपिंग का काम करवाया? देखिए हमने वन रैंक वन पेंशन सैनिकों के लिए दी है सर, स्किल मैपिंग का काम करवाया। और अभी 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 जो बहन जी कह रही थी आम पार्टी की, मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ आते हैं, हालांकि उत्तराखंड अच्छा ये भी बेवकूफ बना रहे हैं, बुद्धिमान है, बिल्कुल बेवकूफ। अभी मैं आपको बताता अच्छा ये भी जुमला दे रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी नहीं बने तब इन्होंने कहा था कि मैं कोई भी सुरक्षा नहीं लूंगा। आप देख रहे हैं तो सुरक्षा का जेड श्रेणी का काफिला उनके साथ चलता है। केजरीवाल जी ने कितने झूठ पे झूठ बोले, क्या यहाँ की उत्तराखंड की जनता जानती नहीं है? अभी अभी बहन जी कह रही थी कि अच्छा मुझे एक बात बताइए पवन जी, छोड़िए ना सर, आपने नहीं बताया मुझे एक्स सर्विस मैन को कितना आपने स्किल मैपिंग की। अच्छा एक बात बताइए, एक बात पवन जी छोड़िए उस बात को लेकर, केजरीवाल जी ने 370 का एक पेज देकर के उत्तराखंड में और दिल्ली के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराई थी। पवन जी आज वो पूछते हैं कि सर शीला दीक्षित के मुझे सबूत दीजिए और मैं उस पर जांच कराऊंगा। पवन जी 370 पेजों का जो आपने एफआईआर दर्ज कराई थी, पवन जी आखिर उस पर जांच क्यों नहीं कराते आज? पवन जी मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं करवाते हो, मैं बता रहा हूँ आपको तिवारी जी के वो 56 घोटाले को कह रहे हैं सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो तिवारी जी के शासनकाल के 56 घोटालों की लिस्ट बनाई थी ना आपने, बनाई थी ना सर 56 घोटाले है ना सर, वो एक ढांचा बीच की भी बनी थी, एक कुंभ की भी बनी थी, एक स्कूटर के नंबर भी गिनवाए गए थे परेड ग्राउंड से। सर बता रहा हूँ अभी आगे और भी है, और भी है मेरे पास। एक सहजपुर में जमीन का मामला आया, एक एनएच घोटाले का मामला आया, उसका भी वही हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है पवन जी, वही नहीं बता रहा ना, नहीं हुए, होते भी नहीं है पवन जी। एनएच वाला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था, कहाँ गया, नहीं होते ना सर। देखिए हमारे ऊपर इन्होंने आरोप जरूर लगाए जी जी, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए। आप बात तो केंद्रीय वित्त मंत्री आज मुद्दे पर आए, फाइनल कमेंट और ये हमें बताते हैं जिन्होंने विकास की गंगा इस उत्तराखंड में बही है और यहाँ की जनता हमें लाइक कर रही है। मैं आपको देख रहा हूँ, अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस उत्तराखंड को बनाया सर, मुद्दे पर आऊं, विशेष पैकेज साथ में दिया सर, मुद्दे पर आऊं, उसको सर मुद्दे पर आऊं पवन जी, उसको धराता पर पवन जी, ये कह रहे हैं 300 यूनिट ब्रिज, एक सेकंड नरेंद्र भाई मोदी पवन जी आप नारे लगा रहे हैं, आप ये तो कुछ भी कह देंगे पवन जी, आप नारे लगा रहे हैं, सवाल तो सुन नहीं रहे आप, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे जी। आपने उत्तराखंड बनाया, चलिए अच्छी बात है अटल जी, लेकिन उत्तराखंड आंदोलनकारियों का कम से कम कुछ तो उस शहादतों का मान रखिए, हर बात पे क्रेडिट लेने की लड़ाई थोड़ी ना होती है सर। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था पवन जी, एक छोटा सा सवाल है, ये कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अच्छा मुझे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करिए, क्या वाकई मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में 5000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है और हर मंत्री को 4000, क्या है ऐसा 4000 यूनिट फ्री? ये मुझे नहीं मालूम ये किस मापदंड से बोल रहे हैं और कौन सा उनका थर्मामीटर है जो इस तरह का कह रहे हैं कि साहब मुख्यमंत्री को 5000 यूनिट फ्री मिलती है, 5000 यूनिट फ्री मुख्यमंत्री है तो आप 5000, और अगर मंत्री है तो 4000 यूनिट फ्री। देखो ये जो ये कह रहे हैं ये हो सकता है इनकी जानकारी में, किस मापदंड से उसको नाप रहे हैं कि 5000, मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, ऐसा है क्या उत्तराखंड में 4000 यूनिट मंत्री को और 5000 मुख्यमंत्री को फ्री? नहीं नहीं ये मेरी नोटिस में नहीं है और ना अच्छा आपको नहीं मिलती थी, ये मेरी नोटिस से बाहर है। अच्छा मंत्री और मुख्यमंत्री को फ्री मिलती थी, उत्तरा
उत्तराखंड की जनता फ्री के चक्कर में नहीं है, उत्तराखंड की जनता विकास चाहती है। अच्छा, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये फ्री वैक्सीन के चक्कर में नहीं फंसेगी जनता, फ्री वैक्सीन वाली जो फॉर्मूला उसमें नहीं फंसेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, मुफ्त की सियासत नहीं आएगी। हमने फाइनल कमेंट कर दिया है तो अनिल भास्कर साहब, और इसको हमने अग्रसर किया है। लेकिन ये लोग 10 जिलों की यदि घोषणा करते हैं कि आप पार्टी 6 जिलों की घोषणा करते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं कि एक जिला बनाने में हजारों हजारों करोड़ उसमें लगता है, इसकी व्यवस्था कहां से? पवन जी वो व्यवस्था ना, जब निशान जिले, सुनिए सर, सर सुनिए सुनिए सर, जो हम निशान जी ने परेड ग्राउंड पर 2011 में खड़े होकर मंच से कहा था ये 4 नए जिले बनाता हूं, तब आप पूछ लेते ये सवाल, आपको जवाब मिल जाता। देखिए वो 4 नए जिले आज तक अस्तित्व में नहीं आए, लेकिन आज तक अस्तित्व में नहीं आए, झूठ बोला था आपने, आपने झूठ बोला था, हमने इसलिए नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ की राजनीति नहीं करती, इसलिए नहीं कर पाए थे आप, पार्टी बता रहा हूँ सर, की राजनीति करती। चार मुख्यमंत्री बदल गए सर उसके बाद से। थैंक यू सो मच, हमने देखिए सर, थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। 4 नए जिलों की बात की थी, मैं मंच से बता रहा हूँ, 2011 की बात है, 15 अगस्त, तारीख भी नोट कर लो, परेड ग्राउंड था, जगह भी नोट कर लो आप। और उसके बाद से 4 मुख्यमंत्री बन गए, खंडूरी जी फिर आए, उसके बाद फिर त्रिवेंद्र जी आए, त्रिवेंद्र जी के बाद फिर जो है तीरथ जी आए और धामी जी आ गए, वो 4 नए जिले कहां गए किसी को नहीं मालूम। इसलिए सर ये खेल घोषणाओं वाला मत खेलिए, जो जनता है वो सब जानती है, बस याददाश्त थोड़ी कमजोर करने की कोशिश करते हैं आप जनता की, हम लोग याद दिला देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।